एक समय की बात है, एक जादुई जंगल में ऑस्कर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। उसके पास सबसे ऊंचे ओक के पेड़ के बीच में एक आरामदायक वृक्ष घर था। ऑस्कर ने अपना दिन किताबें पढ़ने, प्राचीन स्क्रोल का अध्ययन करने और दुनिया भर से ज्ञान प्राप्त करने में बिताया। जंगल के जीव ऑस्कर के पास जाना और उससे सवाल पूछना पसंद करते थे। वे उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की प्रशंसा करते थे। एक दिन जीव जंतुओं को पता चला कि उनकी जगमगाती जलधारा गंदी और असुरक्षित होती जा रही है। वे मदद के लिए ऑस्कर के पास पहुँचे। ऑस्कर ने जलधारा को साफ करने और जीव जंतुओं को अपने घर की देखभाल के महत्व के बारे में सिखाने के लिए एक चतुर योजना तैयार की। जीव जंतु उत्सुकता से काम में जुट गए, जलधारा की सफाई करने लगे, नए पेड़ लगाने लगे और अपने प्रिय जंगल को पुनर्स्थापित करने में मदद करने लगे। धारा साफ होने और जंगल में फिर से जीवंतता आने पर क्रिटर्स और ऑस्कर ने जगमगाती धारा के किनारे एक आनंदन पिकनिक के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। जंगल फल फूल रहा था और जीव जंतुओं को पता था कि मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए वे हमेशा ऑस्कर पर भरोसा कर सकते हैं। तारों से भरे रात के आकाश के नीचे ऑस्कर ने नक्षत्रों और ज्ञान के महत्व के बारे में कहानियां साझा की और जीव जंतुओं को सीखते रहने और अपने घर की देखभाल करने की याद दिलाई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ये जीव अपने आरामदायक बिलों में दुबक गए। उन्हें पता था कि ऑस्कर के रूप में उनका एक बुद्धिमान मित्र उनकी देखभाल करेगा और इसलिए इस मंत्रमुग्ध जंगल में ऑस्कर उल्लू की बुद्धि लगातार चमकती रही और सभी के लिए मार्ग रोशन करती रही जो अपने आसपास की दुनिया के लिए ज्ञान और देखभाल चाहते थे।